अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मुजाहिद इसरार। आई वर्क इन सर्विसेज हॉस्पिटल इन मॉर्निंग। इवनिंग में मैं उमर हॉस्पिटल और नेशनल हॉस्पिटल में काम करता हूँ और मेरी स्पेशलिटी कंसल्टेंट फिजिशियन और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी है। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी मेडिसिन की एक फील्ड है जिसमें मैदा, जिगर, खुराक की नाली और अंतड़ियों का सारी बीमारियाँ का इलाज किया जाता है। इसमें कैमरे वाले टेस्ट, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी भी की जाती है, जिसमें कॉमन बीमारियां हैं वो एसिडिटी, एसिड पेप्टिक डिजीज, गर्ड, पैनक्रियाटाइटिस, हेपेटाइटिस और एंट्राइटस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की बीमारियां आती हैं। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं उनमें कुछ शुरू में ब्लड के टेस्ट हैं, फिर इमेजिंग टेस्ट हैं लाइक अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, इसके अलावा एमआरसीपी, ईआरसीपीस, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी के टेस्ट हैं। हेपेटाइटिस के लिए काले पीले जरकान के टेस्ट किए जाते हैं, जिगर के टेस्ट, एलएफटीस किए जाते हैं और कुछ बीमारियाँ हैं जैसे क्रॉनिक डायरिया, जिनका डायरिया ठीक नहीं हो रहा था, उनमें स्टूल के टेस्ट करते हैं और ब्लड के अंदर कुछ डिजीज़ हैं, सीलिक डिजीज, हेपेटाइटिस की कुछ बीमारियाँ, विल्सन डिजीज़, हीमोक्रोमेटोसिस, काफ़ी टेस्ट हैं जिनके नाम अभी मैं नहीं ले सकता, वो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट की फील्ड में आते हैं। एंडोस्कोपी कैमरे का टेस्ट है जो अंतड़ियों का और खुराक की नाली का बजरिया कैमरा मायना किया जाता है, उसको एंडोस्कोपी कहते हैं। एंडोस्कोपी में गैस्ट्रोस्कोपी भी है और कोलोनोस्कोपी भी है। ये टेस्ट हम आमतौर पे उन पेशेंट्स में करते हैं जिनको खून की उल्टी, काले रंग के पहाने या जिनका डायरिया सेटल ना हो रहा हो और जिनको ब्लड पहाने के रास्ते आ रहा हो, उन पेशेंट्स में हम कोलोनोस्कोपी और एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी आपकी खुराक की नाली और अंतरियों का बजरिया कैमरा एक मायना है, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट है और ये डायग्नोस्टिक भी है और थेरेप्यूटिक भी है। इसमें खुराक की नाली का मायना किया जाता है और पहाने के रास्ते अंतरियों का भी मायना किया जा सकता है, और जिन पेशेंट्स को खून की उल्टी आए उनमें ये लाइफ सेविंग है, उनमें एंडोस्कोपी करके बैंडिंग, टांके वगैरह लगाए जाते हैं और सम सूरत हाल में इंजेक्शन लगा के ब्लीडिंग को फौरन रोका जा सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट की जान बच सकती है। इसके अलावा एंडोस्कोपी, जैसे मैंने बताया, ये डायग्नोस्टिक भी है, थेरेप्यूटिक भी है। कई बीमारियां, मैदे की जो अल्सर की बीमारियां हैं, तजाबियत की बीमारियां हैं, जो कि मेडिसिन खा खा के मरीज़ ठीक नहीं हो रहे, जो हमें करनी पड़ती है एंडोस्कोपी, टेस्ट लेके एक टेस्ट करवाया जाता है, एच पायलोरी का टेस्ट है, एंडोस्कोपिक बायोप्सीज हैं, उनसे मरीजों की बीमारी की तशीस बेहतर हो जाती है और उनका फिर बेहतर इलाज किया जाता है। एंडोस्कोपी कोई भी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट शौक से नहीं करता, एंडोस्कोपी उन सूरत हाल में की जाती है जिसमें आपको डायग्नोसिस नहीं समझ आ रहा और आपने कोई पेशेंट को थेरेप्यूटिक डोज देनी है। अब पहाने के रास्ते जो एंडोस्कोपी करते हैं उसको कोलोनोस्कोपी कहते हैं, और उनमें पहाने के रास्ते खून आना, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन डिजीज़, उनकी तशीस तो कोलोनोस्कोपी के ज़रिए ही होती है। और सम सूरत हाल में जैसे क्रोनिक डायरिया है पेशेंट्स को, 2 मंथ 3 मंथ से लूज़ मोशन है जो कि नहीं सेटल डाउन हो रहे, तो उन सूरत हाल में एंडोस्कोपी के ज़रिए पेशेंट का तसल्ली बख्श इलाज किया जाता है। असल में हमारे पेशेंट्स जो हैं इतने अवेयरनेस नहीं है उनको, मैदे का इलाज, जिगर का इलाज भी आम छोटे मोटे डॉक्टरों से करवा रहे होते हैं। तो जब चीज़ एक समझ नहीं आ रही होती तो या तो मरीज़ को भी समझ आ जाती है कि मैंने किसी और डॉक्टर को दिखाना है, या फिर वही डॉक्टर जो प्राइमरी डॉक्टर होता है वही किसी और स्पेशलिस्ट के पास फिर भेजता है जब मरीज़ की बस हो गई होती है। तो इस सूरत हाल में जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा मसला ख़राब हो गया होता है, तो फिर हमें उन सूरत हाल में मेडिसिन से आगे फिर देखना पड़ता है, मज़ीद टेस्ट करवाने पड़ते हैं, पेशेंट को बताना पड़ता है कि उनके लिए एंडोस्कोपी ज़रूरी है, ये ब्लड के टेस्ट करवाने पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल में कि अगर पेशेंट को वेनस हो तो एसिडिटी के पेशेंट्स, मैदे के पेशेंट्स, तो ये आने ही पहले प्रॉपर इनका ट्रीटमेंट होना चाहिए और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को ये ठीक करना चाहिए। देखिए, जो लीवर डिजीज़ है वो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के अलावा और कोई भी नहीं देखता पूरी दुनिया में। अमेरिका से यूरोप, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया चले जाए तो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट जो है वो देखते हैं लीवर की डिजीज़। हमारे मुल्क में ये लीवर की बीमारी भी कोई फेफड़े वाला देख रहा है, या कोई एलर्जी वाला देख रहा है, या कोई जीपी वगैरह देख रहा है। जिगर की बीमारी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए आपने जाना किसके पास है। तो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट इज़ द राइट प्लेस फॉर लीवर डिजीज़। जहाँ तक लीवर सर्जरी का
की बात है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी लीवर सर्जरी नहीं करते, लेकिन लीवर सर्जरी जैसे आप मेरा हाल बात जैसे कि लीवर ट्रांसप्लांट है, लीवर ट्रांसप्लांट के लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिसाइड करता है कि किस पेशेंट का लीवर ट्रांसप्लांट होना है, और सर्जरी के बाद भी लीवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट ने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास ही आना है। बट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डोंट कट, दे डोंट सर्जरी, दे ओनली डायग्नोस द डिजीज़, दे रेफर द पेशेंट, और फॉर लीवर ट्रांसप्लांट दे ओनली डू लिमिटेड सर्जरी ऑफ जिसको हम लीवर बायोप्सी कहते हैं, जो तशीस के लिए होती है। हेपेटाइटिस लीवर की इन्फेक्शन है जो कि मोस्ट कॉमनली वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है, जिसमें हेपेटाइटिस ए है, बी, सी, डी, ई। सबसे जो सीवियर किस्म की हेपेटाइटिस होती है वो हेपेटाइटिस ए और ई कहते हैं। इसमें जिगर बिल्कुल ख़त्म भी हो सकता है, जिसको फल्मिनेट हेपेटिक फेलियर कहते हैं। उसकी ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ लीवर ट्रांसप्लांट है, और वो किसी भी पेशेंट को हो सकता है। वो ज़रूरी नहीं है कि यंग पेशेंट्स को ना हो, कई यंग पेशेंट्स भी देखे हैं, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से है। लेकिन हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन मौजूद है, आप मरहम से ऑनलाइन मेरी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, जिसमें आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।